आज की वीडियो में आपको राज कुंद्रा के शमिता शेट्टी के लिए बनाए गए प्लान के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राज कुंद्रा इस वक्त बॉलीवुड का सबसे हॉट टॉपिक है और राज को ऑब्सीन वीडियो केस के लिए अरेस्ट भी किया जा चुका है और अब इस केस से जुड़ी बहुत सारी डिटेल सामने आ रही हैं। राज कुंद्रा के अरेस्ट से पहले पुलिस ने गहना वशिष्ठ को भी अरेस्ट किया था जो इस वक्त बेल पर हैं। गहना वशिष्ठ ने अपने इंटरव्यू में राज कुंद्रा के बारे में बहुत सारी शॉकिंग डिटेल्स बताई हैं। गहना राज कुंद्रा के साथ काफी क्लोजली काम कर चुकी हैं और उनकी वीडियोस भी डायरेक्ट कर चुकी हैं। गहना ने राज कुंद्रा के बारे में अपने स्टेटमेंट में बहुत बड़ी रिवीलेशन की है। गहना का कहना है कि राज कुंद्रा अपनी अपकमिंग वीडियो में शिल्पा की बहन शमिता शेट्टी को कास्ट करने वाले थे। उनका कहना है कि राज कुंद्रा एक न्यू ऐप बॉली फैम के नाम से लॉन्च करने वाले थे। अपने अरेस्ट होने से कुछ दिन पहले गहना राज के ऑफिस गई थी जहां इस ऐप के बारे में डिस्कस किया गया था। उनका कहना था कि वो इस ऐप में रियलिटी शोज, चैट शोज, म्यूजिक वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस और नॉर्मल फिल्म्स रिलीज करने वाले थे और उनका ये भी कहना था कि इस अपकमिंग ऐप के किसी भी कॉन्टेंट में कोई भी बोल्ड सीन नहीं होना था। और वहीं उन्होंने शमिता शेट्टी को एक रोल में कास्ट करने के बारे में भी सुना था। वो कभी भी शमिता शेट्टी से नहीं मिली हैं और उनका यही कहना था कि उन्होंने एक स्क्रिप्ट भी डिस्कस की थी जिसमें शमिता को कास्ट किया जाना था। गहना वशिष्ठ इस ऐप के लिए मूवीज डायरेक्ट करने वाली थी। आपको राज के केस के बारे में ये फर्दर डिटेल्स जानकर कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।